ऑलराइट गाइस, आई एम प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं अभी परचेस करने वाला हूँ वायरलेस माइक। तो चलिए वायरलेस माइक यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। और गाइस देखेंगे तो आपको मिल जाता है यहाँ पे RYT 625 रुपये रेट है इसका। फिर इधर है स्मार्ट K8 माइक, तो ये भी 625 रेट है। फिर इधर देखेंगे तो NAFA नाफा वायरलेस माइक है, तो 998 है। इधर हो गया, देख सकते हैं तीनों है जो क्या सेम ही है, डिजाइन वगैरह सारा सेम ही है। प्राइस डिफरेंस देखने को मिल रहा है और यहाँ पे ऑफ परसेंट डिफरेंस देखने को मिल रहा है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो देख सकते हैं यहाँ पे है AMG म्यूजिक, जो जिसका प्राइस हमें 1233 देखने को मिलता है और ऑफ परसेंट 75% ऑफ। और भी नीचे देखें ये ग्रीनारो का है, तो ये तो अलग ही है। और देखेंगे इधर वोल्टैक K8 है, तो इसका 1299 है, 66% ऑफ है। इधर देखें तो फिटअप है, प्लग इन आईफोन है, एक्सप्लोरर है। तो देख सकते हैं ये सारा का सारा सेम ही है, क्या सारा का सारा सेम ही माइक है, लेकिन इसमें हमें प्राइस डिफरेंस देखने को मिल रहा है और ऑफ परसेंट डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम क्या डिसाइड करें, जो जिसका ज़्यादा रेट है वो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखते हैं, चलिए टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं RYT है क्या लिखा हुआ है। RYT 2.4 GHz, ठीक है, 625 है इसका रेट और 68% ऑफ है। चलिए इधर हम थोड़ा इमेज वगैरह देखेंगे, इसका रेटिंग वगैरह देख सकते हैं 3.8 है। इमेज वगैरह देखें तो देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गाइस, K8 वायरलेस माइक। क्या है? K8 वायरलेस माइक, K8 लिखा हुआ है, देख सकते हैं K8 वायरलेस माइक। और लेकिन मैंने क्या खोला था यहाँ पे RYT, ठीक है। चलिए बैक आ जाते हैं, अब इधर देखते हैं स्मार्ट K8 माइक, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट K8 माइक। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं फिगर इसका। चलिए यहाँ पे ज़्यादा कोई परचेस ही नहीं किया है, 12 लोग ही यहाँ पे 5 स्टार का रेटिंग दिए हैं, कोई भी फोटो वगैरह नहीं मिलता है। चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, देख सकते हैं ये है नाफा वायरलेस माइक। यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और चलिए यहाँ पे भी हमें पिक्चर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, किसी ने पिक्चर अपलोड नहीं किया है। देखें नाफा में लिखा हुआ है, यहाँ पे मिल जाता है क्या, एक कमेंट भी देखने को मिला है, बैड, क्या बैड। देखिए तीन लोग ही परचेस किए हैं, जिसमें से 2 5 स्टार की रेटिंग दिए हैं, एक क्या है बैड लिख दिए हैं। चलिए इसमें भी कोई हमें नहीं मिला। अब यहाँ पर देखते हैं वोल्टैक K8 2-in-1, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो 27 लोगों ने इसका रेटिंग दिया है, 27 लोगों ने इसका, देख सकते हैं, तो देख सकते हैं इसमें क्या K8 इसमें भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं इमेज वगैरह सब क्या है K8 लिखा हुआ, सब 5 स्टार की रेटिंग यहाँ पे तो मिला है, 27 लोगों ने दिया है। और यहाँ पे लिखा हुआ था वोल्टैक K8 और इसका प्राइस है 1299। तो क्या 1299 ये लिखा हुआ था, क्या ये ज़्यादा बेटर होगा? तो ऐसा नहीं है गाइस, ज़्यादा बेटर ये। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्लग इन आईफोन है, इस पर क्लिक करते हैं, 84% क्या है यहाँ पे ऑफ है। यहाँ पे जो क्या 3999 प्राइस करके इसको क्या 84% ऑफ करके 635 रेट कर दिया गया है, 635। यहाँ पे हम इसके इमेज देखें, देख सकते हैं यहाँ पे एक ही तीन ही बंदा ने परचेस किया है, यहाँ पे इमेज वगैरह अपलोड नहीं हुआ है, देख सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा हाई प्राइस यहाँ पे किया हुआ था, हाई प्राइस तो है ही नहीं, देख सकते हैं 635 है, ठीक है, लेकिन इसको परचेस उतना नहीं किया है कोई। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे बेस्ट मेरे को ये लगा है, जिसको मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, विशलिस्ट में ऐड कर लिया है। तो ये गाइस जरूरी नहीं है कि जिसका प्राइस हाई हो वो क्या ज़्यादा बेटर हो, ये मैंने आपको दिखा दिया है, ये सारा का सारा प्रोडक्ट है जो देख रहे हैं वो एक ही माइक है K8। देखिए नाम सिर्फ डिफरेंस कर दिया गया है, नाम अलग अलग है, परसेंटेज ऑफ अलग अलग है, रेट अलग अलग है, देख सकते हैं। लेकिन जो आपका माइक आने वाला है सेम माइक आने वाला है, माइक जो आने वाला है आपका सेम माइक आने वाला है। और जो माइक आने वाला है क्या है, फिटअप नाफा ये सब का माइक नहीं आने वाला है, आपका माइक आने वाला है K8 का। तो गाइज मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप परसेंटेज ऑफ पे मत जाइए कि अरे इसमें 89% ऑफ है। अब प्राइस कर दिया गया है 100,000 और 90% ऑफ कर दिया गया है और 10,000 प्राइस है, तो 10,000 में हम माइक परचेस कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो आप परसेंटेज पे बिल्कुल मत जाइए कि कितना परसेंट ऑफ है, और नाम वगैरह पे मत जाइए, फिगर वगैरह पे मत जाइए, आपको जो फोटो वगैरह दिखता है उसमें आप देख लीजिए सारा का माइक क्या है K8। आप सिंपल जाइए, जो आपको प्राइस लो लगता है उसको जाकर परचेस कर लीजिए। यहाँ पे प्राइस ये सब हाई कर दिया गया है, या फिर हाई भी नहीं किया गया है तो क्या कर दिया गया है, प्राइस का जो दाम है उसको ज़्यादा कर दिया गया है और फिर ज़्यादा परसेंट ऑफ कर दिया गया है, और प्राइस क्या दोनों सेम ही निकल के आ रहा है। तो हम लोग को लगता है कि अरे ये ज़्यादा प्राइस था और इतना ज़्यादा परसेंट यहाँ पे ऑफ किया गया है तो ये ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन लोगों का क्या स्ट्रेटजी है कि जितना ज़्यादा प्राइस रखेंगे वो लगेगा कि उतना ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट है, लेकिन क्या माइक तो आपको K8 वाला ही मिलने वाला है, माइक आपका सिर्फ K8 वाला ही मिलने वाला है, नाम चाहे जो भी हो। मैंने यहाँ पे क्या परचेस किया है देख सकते हैं, सबसे कम यहाँ पे प्राइस है 625। और फिर आप रेटिंग वगैरह भी देख सकते हैं, जैसे इसमें भी रेटिंग है 4, यहाँ पे देख सकते हैं 4.5 की रेटिंग है,
तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना बंदे ने खरीदा है, मात्र यहाँ पे कितने बंदों ने खरीदा है, 12, कितना हो गया, 14, 15 दिन, 18 बंदों ने खरीदा है। तो रेटिंग जैसे अब 5 बंदा ही आया और 5 5 स्टार के रेटिंग दे दिया, तो 5 स्टार बन जाएगा। तो वहाँ पे रेटिंग कितना बंदों ने रेटिंग दिया है ओवरऑल, वो देखना भी जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 200 बंदों ने क्या इसको परचेस किया है, 200 बंदों ने, तो ये ज़्यादा हमारे लिए बेटर ऑप्शन यहाँ पे बन गया था। तो मैं परचेस करूँगा किसको, इसको। सबसे पहले तो किसी भी प्रोडक्ट का आप ओवरऑल रेटिंग देख लीजिए, तो इसका 3.8 स्टार का रेटिंग है, 200 रेटिंग है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो 5 स्टार, 4, 3, 2, 1 स्टार ये सब दिया है। तो ये पूरा आप सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो 200 रेटिंग मिल जाएगा। और जो इधर कमेंट वगैरह ये सब किए हैं, सवाल जवाब किए हैं, तो वो आपको 24 रिव्यू यहाँ पे दिखा है। और फिर तो ये 1 स्टार की रेटिंग 36 लोगों ने दिया है, 5 स्टार की रेटिंग 110 लोगों ने दिया है। तो देख सकते हैं ये ठीक ठाक ही प्रोडक्ट है। और फिर स्पेसिफिक रेटिंग आप देख लीजिए, वैल्यू फॉर मनी है तो 3.8 रेटिंग दिया गया है, प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए 3.9 रेटिंग दिया गया है, ईजी टू यूज़ के लिए 3.9 रेटिंग दिया गया है, पैकेजिंग जो इसको किया गया है तो उसके लिए 4.1 रेटिंग दिया गया है। और फिर आप फोटोज़ वगैरह देख लीजिए कैसा प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। जो भी आप यहाँ पे फोटोज़ ये सब देखते हैं, ये फेक भी हो सकता है, प्रचार ज़्यादा बढ़ावा कर दिया जाता है कि अट्रैक्ट हो जाए, कोई भी जल्दी खरीद ले। तो ये सब जो ओरिजिनल फ़ोटो है जो कस्टमर परचेस करने के बाद शेयर करते हैं वो देखिए, फिर कमेंट वगैरह पढ़ लीजिए क्या सवाल जवाब किए हैं लोगों ने, कैसा है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो देखेंगे कमेंट्स ये सब है, फिर यहाँ पे ऑल क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आपको जो भी सवाल वगैरह है वो आप यहाँ से देख पाएंगे। और फिर जो भी सर्च करना है, जैसे रेंज सर्च कर लेते हैं, इसका रेंज कितना है तो देख सकते हैं, हाउ मेनी मीटर इन रेंज, तो आपको इजीली से काफ़ी यहाँ पे क्या क्वेश्चन आंसर भी मिल जाते हैं। अगर नहीं आपको मिला तब पोस्ट योर क्वेश्चन, यहाँ पे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। दिस इज, चलो यह मैं लिख देता हूँ, दिस इज गुड फॉर परचेस, तो यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। तो जिसने ऑलरेडी इस माइक को परचेस कर लिया है वही सिर्फ आंसर कर पाएंगे, जो कि काफ़ी ही सही हो जाता है। और भी मेरे चैनल पे ऑनलाइन शॉपिंग अवेयरनेस से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो डली हुई है, तो इसका प्लेलिस्ट है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, जिसको आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।